नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली का विश्लेषण के लिए जो वर्ग कुंडलियाँ बनती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बहुधा देखा गया है कि जन्म कुंडली के हिसाब से ही अगर हम प्रिडक्शन करते हैं तो वो गलत होते हैं। इसके लिए पाराशर जी ने कहा है कि आप वर्ग कुंडलियों का भी सहारा लीजिए, वर्ग कुंडलियों के द्वारा आप विश्लेषण कीजिए, जिससे कि हम विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस क्रम में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जन्म कुंडली है और उसके साथ में वर्ग कुंडलियाँ भी है तो वह विश्लेषण करने में आपको आसान होता है। अब हम देखेंगे कि जन्म कुंडली को हम D1 कुंडली कहते हैं, फिर उसके बाद में आएगी D2 कुंडली, होरा कुंडली बोलते हैं, इससे हम धन का आकलन करते हैं। इसके पश्चात हम D3 कुंडली देखते हैं, जिससे भाई बहनों को देखा जाता है। D4 कुंडली से हम भूमि जमीन के बारे में देखते हैं, भाग्य के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। सप्तांश कुंडली D7 कुंडली जिसे बोलते हैं, सप्तांश कुंडली से संतान सुख आदि के बारे में विचार किया जाता है। उसके पश्चात नवांश कुंडली आती है जिसको D9 कहा जाता है, इसका भी बहुत महत्व है और आप सबने सुना होगा। नवांश कुंडली से हम जीवन साथी के बारे में देखते हैं। उसके पश्चात करियर आदि के लिए हम दशमांश कुंडली देखते हैं, उसको D10 कुंडली कहते हैं। इसके पश्चात D12 कुंडली जो माता पिता का विश्लेषण करता है, D16 कुंडली जो वाहन सुख के लिए देखा जाता है, वाहन से हमें सुख मिलेगा या बाधाएं मिलेगी, वो हम D16 कुंडली से देखते हैं। इसके पश्चात D20 आध्यात्मिक विकास के लिए देखा जाता है। D24 से शिक्षा के बारे में देखा जाता है, हमारे बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी इसके लिए हमें D24 कुंडली देखना चाहिए, जिसे चतुर्विशांश कुंडली भी कहते हैं। हम इसके आगे क्रम में जाएंगे तो D27 कुंडली है जो हमारे जीवन की कमजोरियां के बारे में बताता है। D30 कुंडली जो कि तिशांश कुंडली, इसका भी बहुत महत्व है। तिशांश कुंडली को जब हम देखेंगे तो हमारे लाइफ में स्वास्थ्य से संबंधित, दुर्घटनाओं से संबंधित विषयों की जानकारी हमको मिलती है। तिशांश कुंडली के बाद में हम चतुर्विशांश D24 को भी देखते हैं, जो शिक्षा के स्तर को बताता है। शिक्षा के स्तर को देखने के लिए हमें D24 कुंडली देखना चाहिए। D27 कुंडली है जो हमारी कमजोरियों को बताता है। D30 है जो हमने अभी बात की, वो स्वास्थ्य के लिए और हमारे आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उसके बारे में बताता है। इस तरह से हमने जाना कि कुंडलियों के द्वारा हम वर्ग कुंडलियों के द्वारा हम और भी विश्लेषण में हमारी उन्नति कर सकते हैं। और भी इसके बाद में देखेंगे तो और भी कुंडलियां हैं, जैसे D40 है, D45 है, D60 है, ऐसी ये सब कुंडलियों का विश्लेषण किसी विशेष प्रश्न का या आपने जो भी विचार दिए हैं या जानकारी जानना चाहते हैं उसके लिए देखी जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि जन्म कुंडली के साथ साथ में अगर जो भी हमें डिटेल में देखना है तो उसके साथ में वर्ग कुंडलियाँ भी देखना चाहिए। इसको देखने के लिए ऐसा रहता है कि जैसे हमें संतान सुख के बारे में जानना है तो हम कुंडली का पंचम भाव देखते हैं, और उसी के साथ साथ में और जो कुंडली हमारी वर्ग कुंडली बनती है उसको भी देखते हैं। उसमें हम D7 चार्ट को देखते हैं, वो सप्तांश कुंडली कहलाती है। तो जिस तरह से लग्नेश कुंडली होती है, जो लग्न कुंडली होती है उसका पंचम भाव का स्वामी उसकी राशि, उसको देखते हैं कि वो जब सब अच्छे प्रभाव में रहता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसी तरह से हमें वर्ग कुंडली का भी जो भाव, जैसे कि संतान के लिए वर्ग कुंडली का सप्तमांश का पांचवा भाव की राशि, उसके कारक को देखना चाहिए। इस तरह से दोनों का विश्लेषण करके ही हमें यह पता चलेगा कि
जो भी समस्या है उसका हमें रिजल्ट मिलेगा या उसमें बाधा आएगी। अगर वहाँ पे पापी ग्रहों का प्रभाव रहेगा और वही ही राशि मान लो आपकी सप्तमांश में जैसे हम लोग देख रहे हैं सप्तांग का सुख मिलेगा या नहीं, अगर वो सप्तमांश की राशि 6, 8, 12 में चली जाती है तो उसी को हमें मेन कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि वो भी 6, 8, 12 में तो नहीं गई है। अगर एक में और दूसरे में इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं तो हमें संतान से सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि वर कुंडलियों का भी बहुत महत्व है और उनको बल वगैरह देखना चाहिए। लग्नेश के बल बल के साथ में जो हमारा विषय है उसके हिसाब से वो भाव को देखकर साथ साथ में उससे कनेक्टेड वर कुंडली को देख के हम विश्लेषण करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अतः कुंडली का विश्लेषण करने के समय में अच्छे ज्योतिषी से वर कुंडली का भी विश्लेषण करवाइए और जो भी आपने प्रश्न पूछा है उसका सटीक उसका उत्तर मिल सकता है। धन्यवाद।